नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधाकंत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानिलंबित भुजौ कनकावदातौ संकेतनेकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय सर्वप्रथम मोर परमार्थ्य गुरुदेव श्री श्री राधा गोविंद सरस्वती गुरु महाराज प्रभु भाई चरण कमल तले अनंत कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक निजक समर्पित करी कृपा भिक्षा करी श्री श्री गौरव गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज तथा श्रील प्रभुपाद महाराज विशेष करी सच्चिदानंद श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर एवं समस्त साधु गुरु वैष्णवाचार्य चरण कमल तले अनंत कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक निजक समर्पित करी कृपा भिक्षा करी प्रभु श्री श्री गौर नित्याय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुद्रम हरिणी श्री श्री गौर राधा गोपीनाथ जीवर महत्वभाग आसी दे उपस्थित समस्त स्वता वैष्णव भक्त मान चरण मंत्र प्रणति नवेदन पूर्वक एवं जो भक्त मैंने अनलाइन दर्शन करवण कर समस्त भक्त मान चरण मंत्र दंड प्रणाम पूर्वक कृपा भिक्षा करी श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टक कथा कीर्तन निजक समर्पित करुच्छी विशेषकर आम चैतन्य शिक्षाष्टक कथा कीर्तन किसी दिन विराम जाते विराम थे विश्राम दि जाइए जदि भगवान कथार शेष ना महाप्रभु जो शिक्षाष्टक आम आलोचना कर आसुले प्रभु श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारिणी पवित्र घोषयात्रा रथयात्रा उपलक्षे से शिक्षाष्टक कथा कीर्तन विश्राम रही से समय आम आलोचना होते अक्रूर मनोरथ अक्रूर कि वृंदावन को जीवा समय कि भगवान को चिंता कर भगवान कि प्राप्त हार मनोरथ पोषण करुले से विषय में आलोचना करते समस्ते श्रवण करेबर शिक्षाष्टक कार्यक्रम से आलोचना से विश्राम दि जाइए एवं शिक्षाष्टक आम आलोचना प्रसंग क्रमे तृतीय नंबर श्लोक को आलोचना करते कि आस्वादन करते महाप्रभु ये शिक्षाष्टक ये हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक
शिक्षाष्टकम ये हूँ रत्न तेनालीर आम कि श्रवण करुले विशेषकर आम तृतीय नंबर श्लोक तृणारूपी सुनीचे न तरना अमानी ना मानदेन कीर्तन सदाहरी भगवान नाम कीर्तन आम करुचे एवं नाम कीर्तन महाप्राणी दे कि नाम कीर्तन को केमी कले आम भगवान कृपा निश्चित भाव प्राप्त होगा अंतर किभली शुद्ध हे भगवान कि निकटतर होगा से विषय में महाप्रभु ये श्लोक संपूर्ण सिद्धांत दे नाम संकीर्तन सब समय करेंगे कि सदा हरि किंतु यही भाव करवा उचित विशेषकर आम शिक्षाष्टकम जहाँ आलोचना करे सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद श्री श्री भक्तिविनोद ठाकुर टीका सन्मोदन भाष्य को लेकिन आम आलोचना करे तेणु आम तृणाधपी सुनी मैंने जहाँ कही आम से विषय को श्रृंखलित करने आम प्रयास करुचे भक्तिविनोद ठाकुर टीकार से कथा कहते जे तृण जमी अति कौन कह तार भावटा जमी जमी सब समय नम्र स्वभाव सब समय नईकी थाए भजन पारायण व्यक्ति से भाई होगा उचित तृण ठार निजक हीन बोली विचार करवा उचित एवं तररीब सहिष्णुना यही प्रसंग शुणुले सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर टीकार से कहते तररपी सहिष्णुना ये वाक्यन तरु स्वच्छेदक छाया फलदान उपकरोती कृष्ण भक्तस्तु तदपेक्षा उच्च प्रवृत्तिया दयया सर्वान् शत्रुन् मित्रान् अनुपकरोती सूचितम भक्तिविनोद ठाकुर टीका से कहे तृण जमी तृण विषय शुणुले से तरु तरु कथा कौन तरर सहिष्णु ना तरु भि सहिष्णु हे कि तरर अपि सहिष्णुना इति वाक्यन यही वाक्य द्वारा आमको यही सूचना मिलू स्वच्छेदकस्य अपि तरु वृक्ष स्वच्छेदकस्य अपि वृक्ष को जो काठुरिया आसिक छेदन करे ताको काटी पकाए स्वच्छेदकस्य अपि छाया फलदान उपकरोती छाया फलदान दे कि फलदान करी तार उपकार करे वृक्ष वृक्ष से कुंठा प्रकाश करे ना जे ये मत कष्ट मत काट पका कहीं करी वृक्षर यही भावना थाए साधक भगवान भक्त जो मैंने साधन दशार अच्छा से मैंने यही होगा उचित महाप्रभु शिक्षा ये बहुत उन्नत स्थिति आम एटा शुणुचे ये स्थित आम जीवा बहुत कौन बहुत दीर्घ कौन कह दीर्घ साधन पर स्थिति आसवा निश्चितता किसी ना यहाँ केवल महत्कृपा आसे तो आमको से स्थित व्याकु हवा उचित या नुह महत्कृपा प्रश्न मन में आसपे महत्कृपा तो मोबाइल ना भगवान कृपा ना जो साधु कृपा कर स्थित हो विचार करें शिथिल होगा यहाँ उचित नुह साधु कृपा हेले स्थित आसो सत ता मैंने आम भागवा उचित ना मत तो साधु कृपा ना मोर स्थित आसने असुविधा कौन नहीं तार अर्थ से नुह आम से स्थित व्याकुत होगा उचित तेज जो भजनटा हम के सधारी से जो भजन से भगवान कृपाटा उपलब्धि करें आम जो भगवान प्रति जो प्रेम भक्ति जो आस्वादन से हम ना से हमने बर्तमान आम नाम करे नाम कले कौन आस्वादन हो आम समस्त जानते नाम हो स्वयं कृष्ण कृष्ण नाम भितर कौन फरक ना जदि कौन फरक ना तो कृष्ण को धरचे प्रतिदिन तो जीवर कृष्ण को नृत्य करूचे आस्वादन कहीं हो तो नाम गोटे नाम रे भी से आस्वादन हम आमको से स्थित को जीवा आवश्यक व्याकुत होगा उचित आम आलोचना हूँ व्याकुत होगा उचित भगवान पाखे विशेषकर साधु पाखे आचार्य मान पाखे गुरु पाखे यह नवेदन करवा उचित मोर ये भावटा के आसो ये भाव आसिले ही भजन हेब देखिए भक्ति ठाकुर के सुंदर सुंदर कथा कही से कहते छाया फल दान उपकरोती छाया फल प्रदान करमती वृक्ष
काठुरियार मध्य उपकार करथे ताकु जे काटि पकाए तार मध्य उपकार करे ता प्रति कोनोसी द्वेष भाव रखे ना ठीक से भली कृष्ण भक्तस्तु कहले कृष्ण भक्तस्तु तदपेक्षा उच्च प्रवृत्त्या भक्तिनगर कौन तृण कौन तरु भली नुह तरर अपि जदि एठी मूल श्लोक रही तरर इव तरु भली भक्ति ठाकुर कौन तरर अपि तरु ठारु मध्य से भली हेबा उचित पाठभेदर दुईट जगह कहुए केवटी कौन तर रपि भी कह जाए तेणु भक्ति ठाकुर तर रपि कथा कौन तो आमको ये हिं भगवान कृपा मिले केमी आम से दिन ये कथा ये भजन नामे कथा विश्राम देते उत्तम हया आपना के माने तृणाधम दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम दुई प्रकार सहिष्णुता तृणाध भी सुनी से आलोचना ही सारी जब ताक आलोचना कले बहुत प्रसंग आसपे वृक्ष भली किभली हवा उचित ना दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम वृक्ष दुई प्रकार सहिष्णु लक्षणटा प्रकाश करथाय दुई प्रकार सहिष्णुता गुण को प्रकाश करथाय साधक मानक से भली हवा उचित केमिति हेबे दुई प्रकार सहिष्णुता कौन आम से दिन सुनते कथा विश्राम दी जाते वृक्ष जे न काटिले ह किछु ना बोलय वृक्ष जे न काटिले ह किछु ना बोलय सुखाइया मैले कारे पानी नामा भक्ति को टिकट से लिख लो ना स्वच्छेदकस्य अपि से भाई साधक प्रति जदि कौन कष्ट आसी विपद आसूँ कहीं जदि विपद पकाउं कहीं समस्या पकाउं तेज साधक प्रति के कौन कह खराब भाव उचित ना से भाव उचित ना से मोर शत्रु से मत समस्या पकाउे ना तो साधक केमी स्वीकार कर जब भक्त प्रति कौन समस्या आसी जो जब भक्त समस्या पड़ जाऊँ कौन विचार कर वृक्ष भले तो आम है सीटा सही हुए कमी वृक्ष सही जाऊँ तो वृक्ष होने ना तो सह कमी आमर तो मन अच्छी बुद्धि अच्छी विचार अच्छी अहंकार अच्छी एगुरा सब रही आम तो सही पारे सही पारे नहीं बहुत कष्ट कमी सह विचार करना उचित यहाँ हूँ भगवान परीक्षा मुझे साधन करुच्ची मुझे भजन करुच्ची मुझे साधन करुच्ची मुझे ना ना बोधे भगवान मत एटा परीक्षा करुचंती विचार रहा उचित कहीं विचार कहीं रही कारण विचार कर सब दिन यहाँ उच्चारण करा जेहेतु सबुदिन सका उच्चारण करीक्षाष्टक आवृत्ति करुँ शिक्षाष्टक आवृत्ति तो यह कथा स्वीकार करुँ जदि स्वीकार करुँ तो भगवान आम परीक्षा करे कि नहीं तेना भगवान बोधे मत परीक्षा करुँचे भाविक आम रे सही पारे सहले कौन हम सहले अपराध मुक्त होगा जदि सही न पार अपराध मुक्त हो पारे सत्य विचार करते जो दृष्टिकोण विचार करें सत्य जे सहीगला तार अपराध हेनी सही न पार्टी अपराध हम निश्चित जेकोसी उपाय अपराध हम मानसिक हो पारे कहीं कही पारे पाचिक हो पारे अपराध हम ही हम जदि सहीगला छाड़ मोटा भोग अपराध हेन यहाँ हूँ सहनशील वृक्ष से भी साधक मान से भगवान कौन कही भगवान वृक्षर उदाहरण देते ना आम शुणु थे शुण आग को आसो पुणी से विषय वृक्ष जमी सहजे सेमती सही उचित स्वच्छेद काठुरिया को जमी फल एवं फूल पत्र छाई सबकि दौर मना कर ठीक से भाई ए दुई प्रकार सहिष्णु वृक्ष जेन काटिले न किछु ना बोल हे वृक्ष काटिले जमी कि कहे ना एवं सुखाया मैलेकार पानी ना मागे सुखी मरी रे का पा मागे ना साधक से भाई आमको केत समस्या आसो कथार अच्छे ना संसार भितर घर करते पथर पड़े सही घर कर जो मैंने से पथर पड़ल सहे पड़ी से साधक मैंने कौन घर करना घर कर संसार भितर तो आम कहीं सही प्रश्न आसपे
ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାହେଲା ନା, ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି, ତାହେଲେ ସାଧକମାନେ ସେମାନେ ତ ଘର କରିନାହାନ୍ତି, ସାଧକମାନେ କେମିତି ସହିବେ, କାହିଁକି ସହିବେ, କ'ଣ ଦରକାର? ସାଧକମାନେ ବି ଘର କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଘର? ସାଧକମାନେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଘର କହିଲେ? ଭକ୍ତିର ସୌଧ, ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା, ସୌଧ ଘର, ଭକ୍ତିର ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଭକ୍ତିର ଘର ଯଦି ଠିକ୍ ନ ହେବ, ସହି ନ ପାରିବ, ତାହେଲେ ଘରଟା କେମିତି ହେବ? ଆଉ ଭକ୍ତିର ଘରେ ରହିଛ ମାନେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଂସାର ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହା ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ସାଧନ କରୁଛେ, ଭଜନ କରୁଛେ, କାହାକୁ ଦେବା କି କହୁନାହାନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଭଜନ କରୁଛେ କେହି କାହାକୁ ଦେବେ? କେହି ଦେବେନି, ଯିଏ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ନା, ଦେଇ ଦେଇ ବଡ଼ ହେଲେ କାହାକୁ ଦେବେ? ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଭଜନ କରି କିଏ କାହାକୁ ଦେବ ସହଜରେ କହୁନାହାନ୍ତି? କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜଣେ ଭଜନ କରୁଛି, ବସିକି ଭଜନ କରୁଛି କି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ସିଏ ଭଜନ କରୁଛି, କୁହାହେବ ତୁମେ ଯେଉଁ ଷୋଳମାଳ ଭଜନ କରିଛ, ସେ ଷୋଳମାଳ ଭଜନ ଫଳଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, କିଏ ଦେବ? କିଏ ଦେବ? ହାତ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଷୋଳମାଳ ଭଜନ କରିଛ, ସେ ଫଳ ମୋତେ ଦେଇଦେବ, କିଏ ଦେବେ କି? କିଏ ଦେବେନି? ତାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଜନ କରୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛେ, କାହା ପାଇଁ କରୁଛେ? ନିଜ ପାଇଁ ତ କରୁଛେ ନା, ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବ କି? ସବୁଦିନ ଦେଇପାରିବ କି? କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେବା ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନା ନିଜ ପାଇଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେୟା, ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ସୌଧଟା ଯେଉଁ ଗଢ଼ୁଛେ, ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ସୌଧଟା ଗଢ଼ୁଛେ କାହା ପାଇଁ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ପାଇଁ ଗଢ଼ୁଛେ? ନିଜ ପାଇଁ ଗଢ଼ୁଛେ ନା? ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କେହି କେହି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦେବନି, ଘରଟା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦେବ ନା? ଦେବେନି, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଦେଇଥାନ୍ତି କେହି କେହି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଘର କରିଛେ, ଆମେ ଭକ୍ତିର ଘର କରୁଛେ ନା, ତାହେଲେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ନହେଲେ ଘରଟା କେମିତି ରହିବ? ସେଥିପାଇଁ ସାଧକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘର କରନ୍ତି, ଏ ଭକ୍ତିର ସୌଧ, ସେଥିପାଇଁ ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ସାଧକମାନେ ଘର କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଘର କରେ ସଂସାରରେ, ସିଏ ଘର କରିଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଘର କରୁଛି ନିଜେ ରହିକି ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ, ନିଜେ କିଛି ଭୋଗିବା ପାଇଁ, କିଛି ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଘର କରିଛି। ସାଧକ ଘର କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ନିଜେ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାଧକ ଘର କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଫରକ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲେ ନା, ତୁମାର ସେବା ହେ ଦୁଃଖ ହେ ଯତ ସେଇ ତ ପରମ ସୁଖ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସଂସାର ଲୋକ ସଂସାର ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହି ଯାଉଛନ୍ତି, ସଂସାର ପାଇଁ, ସଂସାର ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିକି ପାଇବେ କ'ଣ? କିଛି ସମ୍ମାନ, କିଛି ଭୋଗ, କିଛି ପ୍ରଶଂସା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଠିକ୍ କାହାର କାହାର ସେବା କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସେଭଳି ସେବା ଭାବ, ତାଙ୍କୁ କେହି ସେବା କରିବେ ଏତିକି। ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି କହିଲେ? ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କେବେ ଚାହାନ୍ତି ନା ଆମକୁ କେହି ସେବା କରିବ ବୁଢ଼ା ସମୟରେ? କେତେ ଏଇ ଚିନ୍ତା, ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ କେମିତି ଲାଗିପାରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କାମନା ନା? ନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାମନା ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ କାମନା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ କାମନା ରହିଛି ସେଥିରେ ତ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସେଥିରେ ବିପତ୍ତି ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଆସି ତ ସହିବୁଡ଼ି, ସେଇଟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହନଶୀଳତା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସହିଷ୍ଣୁତା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତରରିବ ସହିଷ୍ଣୁତା। ଭକ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେମିତି ଏଇଥିରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବା, ସେଥିମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ପ୍ରମାଣ ଭଗବତୀତାରେ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଭଗବତୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଏଇ ଭାବକୁ କହିଛନ୍ତି ଭଗବତୀତାରେ, କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି? ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବତୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ନା, ଅଦ୍ୱେଷ୍ଟା ସର୍ବତାନାମ ମୈତ୍ର କରୁଣା ଏବ ଚ ନିର୍ମମ ନିରହଙ୍କାର ସମ ଦୁଃଖ ସୁଖ କ୍ଷମି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସେଠି କାହାକୁ ଦେଶ କରିବେନି, ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ଆମକୁ, କେହି ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା କ'ଣ କି? ପ୍ରାୟ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? କ'ଣ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା କେହି ସମସ୍ୟାରେ ପକାନ୍ତିନି, ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଏ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କ'ଣ ନା, ମୋତେ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ସାଧକ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା। ସାଧକୁ ଆଉ କେହି ସମସ୍ୟାରେ କି କ'ଣ କି ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଆମ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କେବଳ ଏହା,
ମୋତେ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା, ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିକି କହୁଛି, ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି, ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନହେଲେ କ'ଣ କାହା ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହେଉଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଭଗବାନ ସେବା ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ କିଏ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସମସ୍ୟା କାରଣ, ଆମର ସମସ୍ୟାର କାରଣ ମାନେ ଆମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଦା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ସେଇଥିରେ ଆଁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ୟା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନା ନାହିଁ, ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋଲୁପ, ସେଇଥିରେ ଯଦି କିଛି ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ସାଧକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଦା କ'ଣ ଅଛି? ସାଧକ ତ ଭଗବାନ ପାଇଁ ରହିଛି, ସେବା କରୁଛି। ସଂସାର ବ୍ୟକ୍ତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଦା ଅଛି, ସାଧକ ତ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି, ସେବା କରିବ। ତ ସେଇ ସେବା ଭାବରେ ବି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ନ ମିଳୁଛି, ସିଏ ଭାବୁଛି ମୋର ସମସ୍ୟାର କାରଣ, ମୋତେ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଉନି, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି, ସେଇଠି ଭଜନ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଠି ହିଁ ସମସ୍ୟା, ସେଇଠି ଭଜନ ହେବନି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି, ହେବନି, ଏଇଟା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଭକ୍ତି ଆମେ କରୁଛେ ମାନେ କେତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତୁନି, ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଧ୍ରୁବ ସହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ସହିଛି ସିଏ କୃଷ୍ଣ ପାଇ, ଆମେ ତ ସହିପାରୁନେ, ଟିକେ ବି ସହିପାରୁନେ, କିଏ ଯଦି କିଛି କହିଦେଲେ ଆମେ ସହିପାରୁନେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଆମର ଭାବଟା କ'ଣ, ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମକୁ କେହି ପ୍ରଶଂସା କରିଦିଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତିଆ ଭାବ, ଯଦି କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେବ ମାନେ ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଭଳିଆ ଲାଗିଯାଉଛି। ଯଦି କେହି ନିନ୍ଦା କରିଦେଲା, କେହି ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କଲାନି, ପସନ୍ଦ କଲେନି, ତାହେଲେ ଭାବୁଛ କ'ଣ, ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ଶତ୍ରୁ, ସହିପାରୁନି। ଯଦି ସେ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ଅଛି ଆଗକୁ ଆସିବ, ଜଣଙ୍କ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ଭୁଲକୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କହିବେନି, ତ ହଁ ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛୁ କହିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଭାବୁଛି ହଁ ଠିକ୍, ଇଏ ଠିକ୍। ଯଦି ଆମର ତାକୁ କିଛି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କହିଦେଲେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଭାବୁଛି କ'ଣ, ଇଏ ମୋ ଶତ୍ରୁ, ସେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଜନ କେମିତି ହେବ? ଆମର ଭୁଲ ଅଛି ମାନେ ଆମକୁ କେହି ନା କେହି ତ ସଜାଡ଼ିବେ ନା। ଆମେ ଯଦି ସଜଡ଼ା ନ ହେବା, ତାହେଲେ ତ ଭଗବାନ ଧାମ ଯାଇପାରିବେନି, କେହି ନା କେହି ତ ସଜାଡ଼ିବେ। ଆଉ ଯିଏ ସଜାଡ଼ିବେ ଆମକୁ, ସିଏ ତ ଆମ ଦୋଷକୁ ତ ଦେଖେଇକି ସଜାଡ଼ିବେ ନା, ନ ସେତେ କେମିତି ସଜାଡ଼ିବେ? ଆଉ ଦୋଷ ଯଦି ଦେଖେଇଲେ, ଆମେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ତରରିବ ସହିଷ୍ଣୁତା ଭାବରେ କେମିତି ଆସିବ? ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ନା? ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତରରିବ ସହିଷ୍ଣୁତା। ସେଥି ଭଗବତୀ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନା, ଅଦେଷ୍ଟ ସର୍ବଭୂତ ଆନଙ୍ଗ, ମନରୁ କହୁନି, ଆପଣ ସବୁ ଭଗବତୀ ମନରୁ କହୁଛି, ମନରୁ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ, ଅଦେଷ୍ଟା ସର୍ବଭୂତାନାଙ୍କ, ସବୁ ଭୂତାନାଙ୍କ, ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କହିଲାନି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୁହାଗଲାନି, ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ କରିବେନି, କାହା ପ୍ରତି, କୌଣସି ଜୀବ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ କରିବେନି, ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି କେମିତି ଦ୍ୱେଷ କରିବେ? ଭକ୍ତ ଯଦି କିଏ କହିଦେଲା, କହିଦେଲା କହିଦେଲା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆମର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ କହିଛି, ବିଚାର କରିନେବା। ଏ ବିଚାରଟା ଆସୁନି କାହିଁକି, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଯଦି କିଏ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛି, ତ ଆମେ ସେଟାକୁ ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନେ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନେ? କାରଣ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଶୁଣୁନାହିଁ, ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଜଳ୍ପରେ ରହୁଛେ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଅସତ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ ରହୁଛେ, କେବେ ଠିକ୍ସେ ଶ୍ରବଣ କରୁନେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନେ, ତେଣୁ ଭାବୁଛେ ଏ ଆମ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ବିଚାର କରୁଛେ ଆମେ। ଅଦେଷ୍ଟା ସର୍ବଭୂତାନ, ସବୁ ଜୀବ ପ୍ରତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକୁର ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଦେଷ୍ଟା ଦ୍ୱିଶତ୍ସ୍ୱପି ଦ୍ୱେଷ ନ କରୋତି, ଦ୍ୱିଶତ୍ସ୍ୱପି କେହି ଆମକୁ ଦ୍ୱେଷ କଲେ ବି ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଦ୍ୱେଷ ରଖିବା ନା, କେହି ଆମକୁ ଦ୍ୱେଷ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରଖିବାନି, ଏଇଟା ହେବ? ହେବ, କେତେ କଷ୍ଟ କହିଦେବାଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଦେଇପାରିବେ ଏ କଥାକୁ, ଏଇଟା ହେବ ନା? ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ହେବନି କାହିଁକି? ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଗବାନ କାହିଁ କହିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକରେ କହିଲେ, ଯଦି ହେବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ, ହେବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତ କହିନଥାନ୍ତେ, ସାଧା ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି।
भगवान कहिसेंदि माने हेबार तो चांस अच्छी ना, निश्चित तो चांस अच्छी, कि से सूत्रटा धरी पाने द्वेषत्वापि द्वेषं न करोति, द्वेषी प्रति मध्य द्वेष करिवे नहीं, प्रत्युतं बरं कौन करिवे मैत्रो मित्रतया वर्तते, बरं तांक प्रति मित्रता भाव रखिवे। आमको किए द्वेष कले प्रति मित्र भाव रखिए। एटा तुलसीदास भी रचना करछन्दि, आमर जदि किए निंदा करुछि ताहले कौन करुछि कहले, आमर जदि किए निंदा करुछि ताहले कौन करुछि कौन प्रचार करुछि आमर जदि किए निंदा करुछि ताहले प्रकृतरे विचार करिया उचित कौन कहले, ये होछि आमर प्रकृतरे मंगलाकांक्षी, ये विचार आसो ना केमी विचार आसो शुणिले बारम्बार श्रवण कले विचार आसो कहीं आमर जदि किए निंदा करुछि से मंगलाकांक्षी केमी केमी आम जदि किए गोटे निंदा कला आम निंदा कला आम मंगलाकांक्षी विचार कर पार हब विचार हब आमको जी निंदा करुच्छे से आम मंगलाकांक्षी कहीं कारण आम दोष अच्छी कही कहना सी तो कहला ना सी निंदा करू अन्य आगे प्रकाश करू जहाँ भी करू आम दोष अच्छी तो कहला कही कहना कम से कम ताद्वारा मुझ मोर दोषटा को तो जापारि ते मोर मंगलाकांक्षी है कि ना तो आम कौन हवा सही जा शोधन कौन जो शोधन करने चेषा करें सी आम प्रकृत मंगल कले कि ना भाव रही हम यही विचार टाक आने पड़ो शुणिले बारम्बार श्रवण कले भाव आस हाँ से कहते आम आगु गोटे हाउस प्रोग्राम से क्या कही तेणु आमको किए निंदा कला मैंने तुलसीदास क्या लिखिं सी आम प्रकृत मंगल करुच्छा प्रकृत एटा सिद्धांत ना आमर दोष अच्छी आम दोष को कहीं कहना समस्त आम प्रशंसा कर दोष जी किए सूचना दूसरी सी अन्य आगे आमको निंदा करपे आम दोषा अच्छे तो सी कहला ना तो आम सी मंगल कला कौन मंगल करमको शोधन होगा सी गोटे बाट देखेगा तुम यहाँ शोधन हो सत कथा शोधन हवा दरकार अपराध हम कहतु तक प्रति महत् बुद्धि आसो कि नहीं महत् बुद्धि आसला अपराध कहीं हम विचार करना हाँ सी मोर प्रकृत मंगल कले प्रत्युत मैत्र मित्रतया वर्तते पुणी एटे कहले ना अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रो मैत्र शब्द एटे कहले पुणी तापर कहते करुण ए वच करुण विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहले करुण एसम असद्गति माँ भवतु इति बुद्धिया तेसु अपि कृपाळु तांक प्रति पुणी करुणा प्रदर्शन करिवे तांक प्रति द्वेष करिवे तांक प्रति क्रोध प्रकाश करिवे हा से मन आरे कथा कहुछि या कहुछि से कहुछि क्रोध प्रकाश करिवे नि बरं कोन चिंता करिवे माने भक्ति केते सरल केते सूक्ष्म सरल बोलते आम कही पारियानी कि रहस्य केते सूक्ष्म रहस्य देखु सरल भी आम दृष्टि सरल नुह कि आचार्य मान दृष्टि सरल जी सीरीयस सरल आम जेहतु सीरीयस नुम कठिन भाई विचार होसम असदगति माँ भवतु इति बुद्धा ते स्वती कृपाणु से व्यक्तिर असदगति माँ भवतु तार असदगति न हो भगवान तार मंगल करूँ सी मत एम प्रकृत सूचना दे महाप्रभु दोष देखी ना कौन तक ना रामचंद्रपुरी ना पिंपुड़ी जो देखी घर तो जो पिंपुड़ी चलूला रामचंद्रपुरी तो हाँ रामचंद्रपुरी देखे महाप्रभु कौन कहले अरे ये किए सन्यासी कौन मीठा खाऊँ किए सन्यासी देख सी जहाँ कहले सी गला महाप्रभु प्रति भाव कौन कौन के खराब भावते ना आमको शिक्षा लाभ कर अकल्याण चिंता कर सम असदगति माँ भवतु तर असदगति न हो इति बुद्धिया ते स्वी कृपाणु तर असदगति न हो यही विचार करेंगे एटा के बड़ काठिकर पाठ के जन्म तपस्या हम अगारी प्रभु केते जन्म तपस्या भाव आसो कहले आमको जो गाड़ी करुच्ची आमको जो निंदा करुच्ची
आमर कौन सब निंदा वाक्य प्रचार करें प्रशंसा करवा हाँ हाँ सी मोर बहुत बड़ मंगल करते बड़ भाव प्रकृत से भाव में ही भगवान सन्तुष्ट हो आम कौन कह छोट छोट कथा नहीं कि आम असहिष्णु जाऊे एटा भक्तिर पोषण नुह प्रभु हाँ महाप्रभु कहते पूर्वजन्म संस्कार नहीं कौन कर देखो महाप्रभु शिक्षा दे आमर से महाप्रभु आदर्श सन्यासी ना आदर्श सन्यासी आदर्श भक्त आदर्श सब आदर्श पाखे हिं लगे भगवान पाखे लगे ना क्या पाखे लगे तेणु सी आसी शिक्षा दे मैंने के बड़ शिक्षा दे गोटे पूर्वर गोटे कथा स्मरण आसला गोटे गीत थिला बाहर गीत से भजन नुह बाहर गीत से गीतर गोटे सुंदर कथा अच्छी छोट छोट कथा नहीं मान अभिमान ए नुहे जीवन शुणी कि ये गीत गोटे सिनेमा गीत ना कौन शुणी जहा है गीतटा मोर मन अच्छे किसी अंश रे छोट छोट कथा नहीं मान अभिमान ए नुहे जीवन ये गोटे गीत थी मोटा मैंने छुआ बेलू शुणी से शुणला पर ये भल अरे ये तो बढ़िया जिनस पूरा सिद्धांत कथा देखो पूर्व से सिद्धांत छोट छोट कथा नहीं मान अभिमान आम जदि किसी निंदा करदे आम आम दोष देखीदेला असुविधा कौन आम शोधन भाव से साय कला ना आम दोषा अच्छी तो सी देखला ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर से कथा कौन से व्यक्ति को आम आम मंगलाकांक्षी विचार करवा तेब जाए भावटा ररर सहिष्णु ना ये भावटा से आसो कहना आम टे कथा जी असहिष्णु हो गले ताले ए भाव तो आसवन कौन हम उल्टा वैष्णव अपराध है वैष्णव अपराध है मैं तो भक्तिर तो मूल उपड़गला से आभक्ति हम कौन आभक्तिर सौध आम गढ़ुचे कौन आभक्ति मार्ग में आम कौन सही पारे शेष हो कष्ट मुकुट सजाई रखती हरी शुणी ना दस दिन पूर्व अंत काले पिंधाई दिखती निज हस्त चक्रधारी आ चक्रधारी मुझे पिंधेबी केमी तो सही पाने यही देखुना ये प्रसंग अच्छे प्रसंग समेत जानते भागवतम प्रसंग बहुत लीला अच्छी शुणवे ये गोटे गोटे लीला सब शुणा केमी सही जी सही भगवान तुम प्रशंसा करती आम को समस्या पकेबा लोक को मध्य आम तार मंगल चिंता करवा तार द्वेष करवानी ताप्रति क्रोध प्रकाश करवानी ताक निंदा करवानी तेब भगवान प्रिय हवा कीर्तन सदारी यही कीर्तन सदार अर्थटा हूँ या भाव में तेब भगवान प्रिय हे भक्तिम ठाकुर कौन या पर भजन कर भक्तिम ठाकुर अश्वत्थामा कौन करते आम से आलोचना हुए ना बाहर अश्वत्थामा द्रौपदी पांचटा पुत्र को निहत कर पांचटा पुत्र को मारद केते बड़ दुख गोटे पुत्र चलीगला मान के कष्ट पुणी पांचटा पुत्र पूरा वंश सफा करदे किंतु तापर जो अर्जुन एवं भीमसेन दौड़ी जाइए आनेपाई जो भीमसेन को बारण कर अर्जुन जाते अर्जुन जा आणिले अश्वत्थामा को आनला द्रौपदी देखी द्रौपदी देखिकी संगे संगे देखिए आश्चर्य अरे देख निजर पुत्रर मृत्यु को सह्य कर किंतु अश्वत्थामा को बंधा ताकु देखी सहय कर अश्वत्थामा जी हूँ निज पुत्रर हत्याकारी निजर पांचटा पुत्रर हत्याकारी देखी से सहय कर यही से कथा कहते हैं शुणा आम निश्चित से शुणा आवश्यक कारण द्रौपदी जीवन यहाँ हूँ बहुत बड़ कौन भक्तिर महिमा से यही वचन कही छा कथा सी कही से छटा कथा को सत गोस्वामी कहते सनकादि मुनि मानू से छटा द्रौपदी जो छटा विचार देखो अदेष्टा द्वेष करवा व्यक्ति प्रति द्वेष भाव ना ये द्वेष करते ना पुत्र मान मारद मान कौन द्वेष कर शत्रुता भाव तो पुत्र मान मारद
तथापि द्रौपदी भावटा कि आम बारंबार शुणुचे कहचे पढ़ुचे कि आम से भाव भावी कौन भावित हो पारे ये आम कौन अभाव बारंबार शुणी प्रार्थना करवा उचित साधु पाखे सत गोसाई कहते द्रौपदी छटा जिनस को उपस्थापन कर जो छटा को भगवान श्रीकृष्ण पंचपांडव समस्ते समर्थन कले कौन कौन देखु धर्म न्याय सकुण निर्गलिक समहत राजा धर्म सुतराज्ञा प्रत्यनंद द्विजा राजा धर्मसुत राज्ञा प्रतिनंदत प्रत्यनंदत राजा धर्मसुत धर्मसुत धर्मराज युधिष्ठिर राज्ञा राणी को द्रौपदी को प्रत्यनंदत प्रशंसा कले पुत्र मरिक पड़ते पांचटा बंधाई की अणा हो अश्वत्थामा को किंतु द्रौपदी को जो विचार अश्वत्थामा को देख छटा विचार कर से भगवान प्रशंसा कर कहले प्रथम कहले धर्मराज आगे युधिष्ठिर महाराज प्रशंसा कले द्रौपदी विचार को देख उद्देष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच आउ किए किए प्रशंसा कर द्रौपदी को नकुल सहदेवस्य जुजुधान धनंजय भगवान देवकी पुत्र जे चन्ये जश्च जोषित नकुल सहदेवस्य नकुल सहदेव जुजुधान धनंजय समस्ते प्रशंसा कले धनंजय भी अर्जुन भी बांधिकी आनी अश्वत्थामा को केमी बांधि पशुवत पशु भली बांधिकी आनी कि द्रौपदी जो विचार से विचार समस्ते प्रसन्न हो गले द्रौपदी विचार समस्ते प्रशंसा कर नकुल सहदेव जुजुधान जुजुधान किए सत्यकी धनंजय एवं भगवान देवकी पुत्र भगवान देवकी पुत्र भगवान श्रीकृष्ण जे च अन्य जो सीता जाश्च जो सीता आज जिते सब से नारी मैंने थे से समस्ते प्रशंसा कले द्रौपदी विचार को क्यों विचार छटा जिनस धर्म्यं न्याय सकुण निर्वेलिकम समं महत ये छटा विचार धर्म्यं कौन न्याय कौन शुणा ये रही सब ये तररी बस चिन्हटा ये रही अदेष्टा सर्वभूतान मैत्र करुण एवच किभली से भाव एवं निर्मम निरहंकार सम दुख सुखं क्षमी तो कौन से छटा धर्म्यं कौन प्रथम छटा देखु कि द्रौपदी भाव प्रथम तो देखीदे अश्वत्थामा बंधाई रही बंदी अवस्था अच्छा बंधाई पशु भाई बंधाई मुह को तल को झुंक रखी देखिक द्रौपदी सहय कर मुच्यता मुच्यता मेष उवाच च असहन्ति कहते असहन्ति असह्य निज के असह्य विचार कर मानते सही पार ना निजर पुत्र मान मृत्यु को सही गले कि निजर पुत्र हत्याकारी को बंधाई बंधन को देख सही पार ना कहले देखि आम तो समस्ते शुणीचे कि गभीर चिंतन करहतु ये भाव में आम रहा सहज आमर किए किसी क्षति कर दे थी आम देख तार समस्या देखे आम ये विगलित हो पार ना आमर विचार आम भाव हाँ ठीक ठीक पाने पाई आम भाविया से तार कि समस्या है हाँ ठीक है पाने दरकार ठीक है आमर विचार आसना कि द्रव्य देखु से समस्ते प्रशंसा कर कष्ट देख पुत्र मान मृत्यु सही गले किंतु पुत्रंकर हत्याकारीकर बंधन को सही पार ना मानते कौन से विचार देखते भक्त स्थिति कौटी से समस्ते प्रशंसा कर भगवान देव विश्व तो प्रशंसा कले मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मण नितर गुरु मुच्यता मुच्यता मेष छाड़ दि ये ब्राह्मण ये आम मान गुरु ये भाव भजन हब आम भजन हो मान ये भाव आम ना हो भजन होनी यहाँ मुझे मनु कौली भावुँ मनु कौनि भक्ति ठाकुर कहते यार सिद्धांत देखिए भक्ति ठाकुर कौन कहते तृणांत विश्व निचन तररी बस नमानी नमानंदन कीर्तन सदाहारी देखते भक्ति ठाकुर से कहले
दैन्य दया ने मान प्रतिष्ठावर जन दैन्य दया ने मान प्रतिष्ठावर जन चारि गुणे गुणी हय कर हकीत भक्ति सिद्धांत देखिले दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन चार्टा कथा रहा दैन्य तुणादेवी सुनिचयन दैन्य दया तररीब सहिष्णुना कहले दया अन्य को दया कर वृक्ष भली दया कर परोपकार कर दैन्य दया अन्य मान अमानिना मानदेन अमानिना है अन्य मान मानदेन अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन अमानिना प्रतिष्ठा वर्जन मानदेन अन्य को सम्मान देवा ये तो आसो ये तो आम आलोचना आसनी ये आम शुणुचे से गले शुणा से केमी तापर बहुत सुंदर सिद्धांत अच्छी देखिए भक्ति के सुंदर रचना कर चारि गुण से गुणी होर्तन कर कीर्तन्य सदाहरी कीर्तन्य सदाहरी ये कीर्तन्य सदाहरी आम गोटे जगह लिखाही था मुझे देखिए बहुत मत मैंने मैंने हृदय को स्पर्श करता से समय कि बुझीपा ना अर्थटा बुझीपा नी कि ये अर्थटा बुझा पड़े ना कीर्तन सदाहरी सब कीर्तन कर यहाँ तार अर्थ ये आम बुझे ना कौट लिखाई था कहले कह स्मरण अच्छे कौट लिखाई था आम ईस्कन गोटे जगह लिखा जय श्री श्री गौरिराय श्री श्री कृष्ण राम श्री श्री जगन्नाथ बल सुधा महारानी की कीर्तन्य सदाहरी गोटे जगह लिखा है मन अच्छे कह रभु तो कहले आम जो पुराणा जगन्नाथ बस था देखी से जगन्नाथ बस रेट एंट्री गेट उपाई कीर्तन्य सदाहरी मुझे प्रथम को देख ली से मैंने मुझे छुआ बेलू देखी गाड़ी तो जाए आम जन्मस्थान जो घर पाखे लगे गाड़ी ब्लॉक पाखे गाड़ी लगे आम छुआ बेलू देखु से गाड़ी को देखी देखी से गाड़ी आसिक रही प्रचार कल से गाड़ी लिडर तापर तो सही लगे मुझे देखा कौन लिखाई कीर्तन सदाहरी कौन अर्थ तापर धीरे धीरे जान ओहो कीर्तन मैंने भगवान कीर्तन सब कर कि कीर्तन सदाहरी पूर्व जो ये सिद्धांत यही आम जानी यहाँ महाप्रभु कही दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन चारि गुणे गुणी कर कीर्तन कीर्तन बोले भगवान नजर को आम आसवा से दिन सीटिकार शुणुले ना भगवान नजर को आसवा भगवान नजर को मैं आम आसपे ये भाव ना ना कीर्तन कर भाव ना भाव न भगवान केमी आमको चाहिए कहना आम अवस्था कौन है कहले मिछुआ राधुआ मन अच्छे ना मिछुआ राधुआ अवस्था आमर आम कीर्तन करुचे भगवान चाहूना खाली चित्कार करुच्छराधा जिन चित्कार करूला ता मान नुह कहे ना आम जो करफल से कथा कह जाऊ जो प्रेम पाइबापी महाराज जो उद्देश्य जो शिक्षाष्टक रचना कर समस्त वैदिक शास्त्र सार आठटा श्लोक महाप्रभु कौन सी जिन रचना करना आठटा श्लोक सार वस्तु ए सरी आठटा श्लोक हूँ समस्त वैदिक शास्त्र सार पुणी आठटा श्लोक भितर ये हूँ समस्त आठटा श्लोक ये हूँ सार ये चार्टा दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन चारि गुणे गुणी हय करह कीर्तन सौ सार रही तेनाली मिछुआ राधुआ भाई चित्कार करी गाँ लोक गले दौड़ गले से जो दिन प्रकृति से चित्कार करता से दिन दौड़ गला से दिन गले जाणी सबुदिन दौड़ी जाऊे सी उपवास करूला ना जो दिन सतु सत आसिक बाघ धरला छेड़ी गाँ लोग गले मिछुआटा आम अवस्था से आम भाव रोनी ना कौन कह द्रौपदी भाव द्रौपदी यही मुच्छता मुच्छता मे सब ब्राह्मण नितरांग गुरु ये हूँ धर्म द्रौपदी यही भाव को समस्ते पसंद कले अरे
ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସହିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରଙ୍କର ହନ୍ତା ତାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ନ୍ୟାୟ କ'ଣ? ନ୍ୟାୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସତଗୋସ୍ୱାମୀ ସନକମୁନି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସ ରହସ୍ୟ ଧନୁର୍ବେଦ ସବିସର୍ଗ ଉପସଂଜମ ଅସ୍ତ୍ରଗ୍ରାମଶ୍ଚ ଭବତା ଶିକ୍ଷିତ ଜଦନୁଗ୍ରହାତ୍। ଇଏ ହେଲା ନ୍ୟାୟ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କିଭଳି ଭାବ? ଏଇ ଭାବଟାକ ଯଦି ଆମେ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମର ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧରୁ ବଞ୍ଚିଯିବା। ଏଇ କେବଳ ତର ଦିବସ ସହିଷ୍ଣୁ ଭାବଟା ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଠି ଆଗେ ଏଇ ଅର୍ଥଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଶୁଣିବାଟା ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କହିଲେ, ସ ରହସ୍ୟ ଧନୁର୍ବେଦ ସ ବିସର୍ଗ ଉପସଂଜମ। ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି, ସ ରହସ୍ୟ ଧନୁର୍ବେଦ ସ ବିସର୍ଗ ଉପସଂଜମ। ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଧନୁର୍ବେଦର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ତୁମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛ। ସ ବିସର୍ଗ ଉପସଂଜମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ତ୍ର ବା ବାଣ ନିକ୍ଷେପ କରିବା, ଉପସଂଜମ ଉପସଂହାର କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ କୌଶଳ ତୁମେ ଶିଖିଛ। ଅସ୍ତ୍ରଗ୍ରାମଶ୍ଚ ଭବତା ଶିଖିତ ଅନୁଗ୍ରହାତ୍, ଯାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଯାହାଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁମେ ସବୁ ଶିଖିଛ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଛ, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛ ନା? ତାମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆମେ ଯାହାଠୁ କିଛି ଶିଖିଛେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି କୌଣସି ଈର୍ଷା ଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆମେ ତ କାହାଠୁ କିଛି ଶିଖିନେ, କୁହନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ କାହାଠୁ କିଛି ଶିଖିନାହାନ୍ତି? ପ୍ରତି ବୈଷ୍ଣବଠୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରତି ବୈଷ୍ଣବଠୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିଛେ, ଶିଖିନୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବନି, ଶିଖିଛେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ନିଜ, ଆମେ ନିଜକୁ କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁନେ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁନେ। ଆମର ତ ଅଛନ୍ତି ଗତି ବାବା, ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଅମକ ଭକ୍ତଙ୍କଠୁ ଏ କଥାଟା ଶିଖିଛି, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କଠୁ ମୁଁ ସେୟା ଶିଖିଛି, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କଠୁ ସେୟା ଶିଖିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରତି ଭକ୍ତଙ୍କର, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତି ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶରଣାଗତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଭକ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଅଛି କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି ତ, ସେଇଟା କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା ଗୁଣ ନୁହଁ କି? ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ସେଟାକୁ ନ ଶିଖିକି ଆମେ ଭାବୁଛେ କ'ଣ, ନା ଇଏ ମୋତେ ଏହା କହିଲା, ସିଏ ମୋତେ ସେୟା କହିଲା, ସିଏ ମୋତେ କାହିଁ ସେଟା କହିବ, ଏଇ ବିଚାର ଆମର ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି। କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖି ନା? ଅବୁଧ ତ ଚବିଶ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ, ଚବିଶ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ କ'ଣ, ଚବିଶ ଗୁରୁ ବସିକି ଅବୁଧ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ କି? ଅଜଗର ବସେଇଥିଲେ ଅବୁଧ ତୁମକୁ, ଅବୁଧ ତ ବସ ଶୁଣ ମୋଠୁ ଏଇଟା ଶୁଣ କହିଥିଲେ ନା? ପିଙ୍ଗଳା ବେଶିଆ ବସିକି ଶୁଣେଇଥିଲେ ନା? ବାଳକ ବସିକି ଶୁଣେଇଥିଲେ ନା? କପଦ ଶୁଣେଇଥିଲା ନା? ସର ନିର୍ମାଣ କରି ଶୁଣେଇଥିଲା? କିଏ ଶୁଣେଇଥିଲେ ଅଜଗରଙ୍କୁ? କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟା ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଭାବରେ ରହିବା ତାହେଲେ ଶିଖିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ବୈଷ୍ଣବଠୁ କିଛି ନାହିଁ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ? କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏଇ ଭାବଟା ଆସିବ, ତରଦି ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଭାବ ଆସିବ, ନଚେତ ଭାବରେ ଦେଖୁ ନାହିଁ ଚୈତନ୍ୟ ଚେତନ ସେ କଥା ରହିଛି, ଅକୈତ ବୌଦାର ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ଅକୈତ ବୌଦାର ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ଅତିଥି ସେବନ ପର ଉପକାରେ ରତ, ଅତିଥି ସେବନ ପର ଉପକାରେ ରତ। ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ, ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ କଥା ଲେଖାହେଲେ ଆଦିଖଣ୍ଡ, ଅକୈତବ ଉଦାର ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୃଣା ତର ଯିବ ସହିଷ୍ଣୁନା, ଅକପଟ, ଅକୈତବ, ଅକୈତବ ମାନେ ତ ଅକପଟ, ଅକୈତବ ଉଦାର, ଉଦାର କଷ୍ଟ ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଭକ୍ତିର ସୌଧ ଆମେ ଗଢ଼ୁଛେ, ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅକୈତବ ଉଦାର ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ,
विष्णुभक्त यही एवं अतिथि सेवन पर उपकारे रत अतिथि सेवन आ पर उपकारे सब रही कि भाव खाली शास्त्र जो पढ़ी देखिए केते सुंदर सुंदर सुसिद्धांत ताले निजुकु विचार आसार आम केउठी अछि भक्ति के स्थिति केउठी आम शुणुने पढ़ुने जानुने बोली आम भाव ठीक अच्छु या ना कहीं आम निजी ठीक बोली लगुच कारण सब एक सब मन को स्ट्राइक करे कारण आम सब निजक तुलना करजू कम योग्य संपन्न व्यक्ति सहित तुलना करे से भावे आम श्रेष्ठ जदि तुलना करार अच्छे निजक उच्च व्यक्ति सहित तुलना कर उन्नत व्यक्ति सहित उन्नत अधिकारी सहित तुलना कर शेष मोर विचार आसे आम कौटी अच्छे भक्त यह उपकार भूल उचित न कह उपकार द्रौपदी से कथा कौन आम गोटे पाठ पढ़ुले कोर्स गोटे छोट मो चाटी पाठ से थाए ना कौन पिंपुड़ी वाई चढ़े कौटी अच्छी को को क्लास तृतीय हाँ द्वितीय ना तृतीय पिंपुड़ी वाई चढ़े देखुना उपकार किए कह भूल पारिना गोटे अलग जीव पठ शिक्षा दि जाऊँच वैष्णव कि उपकार विचार कर पिंपुड़ी बाई चढ़े कथा बहुत स्मरण आसना हटात मन पड़ा हाँ पत्रटा पकई देना ना पिंपुड़ीटा भासी जाऊला बाई चढ़ हाँ से पत्र पकई आगे जानते नेपोलियन जीवन में आज शुणिले आश्चर्ये से कमी ये उपकार के भूल उचित नुह नेपोलियन केत बड़ योद्धा केत बड़ वीर नेपोलियन दिने जाऊ था शोभा से तो शोभायात्रा जाऊँ दर्शन करने पूरा दुई साइड पूरा जनारण्य पूरा लोक मान गहली प्रचुर गहली पेरिस पेरिस दुई रास्ता रे से रास्तार दुई पार्श्वे बहुत जन समागम जाऊँ नेपोलियन जीवा समय कौन है हटात एका जाऊँ कि राजा तो जी सहित एका जी सैन्य सामंत सब जा सैन्य सामंत सहित से जाऊँगी किंतु हठात नेपोलियन अटकी गले गोटे जगार अटकी गले सब सैन्य सामंत अटकी गले बाहर को आसिक कौन कर कौन करे कहना केवल क्षमा मागे ना कौन करेंगे बुढ़ी लोक सी कौन कर सी आंठू बड़ी आंठू पकईकी बसिकी आंठू माड़ी क्षमा मागे जो जाते जनसमगम अच्छा सैन्य सामंत अच्छा समस्ते अच्छा नेपोलियन कौन कले जानते नेपोलियन बुढ़ी माँ को उठेदे जय श्री शिव नेता जय श्री कृष्ण राम श्री श्री जगन्नाथ नेपोलियन से बुढ़ी माँ को ठिया करेले ठिया करी नेपोलियन निजे आंठुमाड़ी बसिले बुढ़ी माँ पाखे पाद को स्पर्श कर प्रणाम कर क्षमा मागिले समस्त देखिए आश्चर्य कौन आम भाव ये दंड देवे ये कौन उल्टा कौन क्षमा मागुच समस्ते आश्चर्य होती कौन नेपोलियन को कि विचार कौन आज उल्टा कार्य कर समय नेपोलियन से सूचना देले कह तुम्हें जान से किए इतिहास कहले कहले मुझे जो स्कूल को जाऊली पाठ पढ़ापी स्कूल को जीवा समय रे दुकान पटे मुझ जाए से मो पैसा नाला पैसा ना मत से दुकान देखी जाए मत मो फल गुड़ा खाली चाहें रहे लोभ देखापी इच्छा मैं खाया को इच्छा हुई पैसा नहीं करी कौन तो ये बुढ़ी माँ सी से समय युवती थी नेपोलियन निजे कौन से समय युवती थी एवं मुसलापर मुझे स्कूल फेरे फेरलापर सी मत गोटे फल दिखती बापा तो यहाँ नहीं खा सी मत गोटे फल दिखती प्रतिदिन मत ये गोटे गोटे फल दौले कौन से कारण मुझे अंचल छाड़ी अलग जगह चलीगली तेनालीपटा आसवा बंद हो गला कि आज मुझे जो देखुची से बुढ़ी माँ अच्छा सी मोर एत उपकार करपकार भूल जी से नेपोलियन नेपोलियन निज जीवन ने भी यहाँ आचरण कर देखे कही जीवन ने के कहार भी कौन सी उपकार भी के भूल ना
ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଉପକାର ପାଇଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯିଏ ବି ହଉ, ଯିଏ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଯିଏ ଆମକୁ ଗାଳି କରୁଛି, ଯିଏ ଆମକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ବିଚାର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉପକାର କରିଛି, କରିଛି କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜେ ବିଚାର କରିନେବେ ଏଇଟା, ହଁ ନିଜର ବିଚାର କଥା। ବୈଷ୍ଣବ ଏଇଭଳି ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସହ ରହସ୍ୟ ଧନୁର୍ବେଦ ସବିସର୍ଗ ଉପସଂଯମ ଅସ୍ତ୍ରଗ୍ରାମଶ୍ଚ ଭବିତା ଶିଖିତା ଯତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ। ତୁମେ ଯାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ତୁମେ ଶିଖିଛ ତାଙ୍କର ଉପକାର ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ନା? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଆଚ୍ଛା ସିଏ ତ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ଅସଥାମ ଶିଖେଇଥିଲେ କି? ଅସଥାମ ତ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେଠେ କରୁଣା, କରୁଣା ବଚନ କହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ୍ୟଂ ନ୍ୟାୟଂ ସକରୁଣ, କରୁଣ ବଚନ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସଏଷ ଭଗବାନ ରୋଣ ପ୍ରଜାରୂପେଣ ବର୍ତ୍ତତେ ତସ୍ୟାତ୍ମନୋର୍ଧ ପତ୍ନ୍ୟାସ୍ତେ ନ ଅନ୍ୱଗାଦ ବିରସୁ କୃପି। ସେ କରୁଣା ବଚନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ କହିଲେ ନା, ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଶିଖିଛନ୍ତି? ସେ ତ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଶ୍ୱଥମ ତ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ନଥିଲେ। କହୁଛ ନା ନା, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। କିଭଳି ସ ଏ ସ ଭଗବାନ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରଜାରୂପେଣ ବର୍ତ୍ତତେ, ସ ଏ ସ ଇଏ ହିଁ ଭଗବାନ ଦ୍ରୋଣ, ଇଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଜାରୂପେଣ ବର୍ତ୍ତତେ। ପ୍ରଜାରୂପେଣ ବର୍ତ୍ତତେ କେମିତି? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ବିଧି ଅଛି, ବିଧି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଆତ୍ମମୟୀ ଜାୟତେ ପୁତ୍ର, ପୁତ୍ରକୁ ପିତାଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ପିତା ନାହାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପିତା, ପିତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅଂଶ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ନା। ତେଣୁ ସଏବ ଭଗବାନ ଦ୍ରୋଣ, ସଏସ ଭଗବାନ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରଜାରୂପେଣ ବର୍ତ୍ତତେ, ତେଣୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜାରୂପେଣ ବର୍ତ୍ତତେ, ପୁତ୍ର ରୂପରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ଶିଖିଛ, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛ ନା? ତସ୍ୟାତ୍ମନ ଅର୍ଥ ପତ୍ନୀ ଆସ୍ତେ ନ ଅନ୍ୱଗାତ ବିରସୁ କୃପି। ପୁଣି କରୁଣା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ତସ୍ୟ ଆତ୍ମନ ଅର୍ଥ, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆତ୍ମନ ଅର୍ଥ, ଆତ୍ମାର ଅର୍ଦ୍ଧାକ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବା ଯାହା କୁହାଯାଏ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ପତ୍ନୀ କୃପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି ନା, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଦେଉଛ। ଏବଂ ଇଏ ହେଲା କରୁଣା ବଚନ। ତାପରେ ନିର୍ବିଳିକ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍କପଟ ଧର୍ମ ଭୟ, ତଦ୍ଧର୍ମଜ୍ଞ ମହାଭାଗ ଭବଦ୍ଭି ଗୌରବଙ୍କୁଳଂ ବୃଜିନଂ ନାରହତିଂ ପ୍ରାପ୍ତଂ ପୂଜ୍ୟଂ ବନ୍ଦ୍ୟଂ ଅଭିକ୍ଷଣସ। କହିଲେ ତଦ୍ଧର୍ମଜ୍ଞ ମହାଭାଗ, ହେ ମହାଭାଗ, ଆପଣ ହେଲେ ଧର୍ମଜ୍ଞ, ଭବଦ୍ଭି ଗୌରବଙ୍କୁଳଂ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୁଳର ଗୌରବ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କୁଳରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। ବୃଜିନଂ ନାରହତି ପ୍ରାପ୍ତଂ ପୂଜ୍ୟଂ ବନ୍ଦ୍ୟଂ ଅଭିକ୍ଷଣସ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ, ଯେଉଁ କୁଳ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ବନ୍ଦ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସେ ଗୁରୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ବନ୍ଦ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି କି ବିଚାର କର, ଯଦି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ସେ ତ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, କେତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ସହିଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରରିବ ସହିଷ୍ଣୁ ଭାବଟା କିଭଳି, ସେ ସହିଯାଉଛନ୍ତି, ସହିକି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନି, ସେ ହେଲେ ପୂଜ୍ୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦ୍ୟ, ସେ ହେଲେ ଅଭିକ୍ଷଣ, ଅଭିକ୍ଷଣ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ହେଲେ ପୂଜ୍ୟ ବନ୍ଦ୍ୟ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଖାଲି ମୁଖରେ କହୁଥିଲେ ନା ଭିତରୁ କହୁଥିଲେ? ସେ ତ ଭିତରୁ କହୁଥିଲେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ସେଠି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କ'ଣ, ସାତ୍ୱିକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ନକୁଳ ସହଦେବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସମ, ସମାନ ବ୍ୟବହାର କଥା, ମା ରୋଧି ଶସ୍ୟ ଜନନୀ ଗୌତମୀ ପତି ଦେବତା ଯଥାରମୃତ ସାର୍ତା ରୋଦିମି ଅଶ୍ରମୁଖୀ ମୁହୁ। ମା ରୋଦିତ ଅଶ୍ୟ ଜନନୀ ଗୌତମୀ ପତି ଦେବତା, କହିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଶ୍ଳୋକରେ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସତୀତ୍ୱ ହେଇନାହାନ୍ତି, ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ମା ରୋଦିତ ଅଶ୍ୟ ଜନନୀ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନା, କାହିଁକି, କାରଣ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିନା କେତେ କଷ୍ଟ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ମୋର ପାଞ୍ଚଟା ପୁତ୍ର ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ନା,
पांचटा पुत्र चली जाइंट पुत्र विहुने के कष्ट से उपलब्धि करुच्ची आ तुम्हें पुत्र को मारदे माँ से कष्ट पाइबे कि नहीं तेणु माँ को यह कष्ट दिवनी इटा हूँ समव्यवहार तेणु निजे कष्ट सही मध्य आईटा तो वृक्ष सम कहला तररी बस वृक्ष समक्ति कहल वृक्ष सम क्षमा गुण करिबे साधन वृक्ष सम क्षमा गुण करिबे साधन प्रतिहिंसा त्यजी अने करिबे पालन प्रतिहिंसा त्यजी अने करिबे पालन देखुना से वृक्ष कथा कह वृक्ष सम क्षमा गुण करिबे साधन प्रतिहिंसा त्यजी अने करिबे पालन वृक्ष भाई क्षमा गुण को साधन विचार करना उचित आम साधक दृष्टि आम को शिक्षा केते सूक्ष्म शिक्षा केते शास्त्र मध्यम आचार्य मान मध्यम भजन मध्यम सब रही बारंबार श्रवण कले से भाव दृढ़ हाँ विचार कर भाव रही इच्छा हे न शुणिले कौन हम श्रवण कर वृक्ष सम क्षमा गुण करेंगे साधन प्रतिहिंसा त्यजी अन्य करिवे पालन प्रतिहिंसा त्यजी अन्य को पालन करिवे द्रौपदी निजर पुत्र मानकर कष्ट को सही गले किंतु गुरुंकर पुत्र मो बंधा हिची मु जेमिति कष्ट पाउची तांको मां को सेमिति कष्ट दियो ना कहउछन्ति ठीक से बड़ी सिद्धांत आउ गोटे जगार अच्छी भागवतम केउठी अच्छी भागवतम कौट ध्रुव महाराज तांको पुत्र को शिक्षा देना ध्रुव महाराज तांको मां से शिक्षा दिछन्ति दीर्घं श्वसन्ति भुजनस्य बाला अपश्यति बालक माह बाला मा अमंगलं तात अपरेशमंस्था भुंक्ते जनो जत पर दुःखतस्तत् दीर्घ श्वसन्ति भुजनस्य पारं अपश्यति बालक माह बाला बालक को निजे सुनिते कथा कहिछन्ति तुम्हें कहार अमंगल चिंता करनि आमे आम अमंगल चिंता कर दौसे ना आम जी किए कटा कथा कह आम किए कटा कथा कहला आम तार अमंगल हम चिंता करा तार जो कि समस्या है हाँ ठीक ठीक माने पाई ठीक आम ये चिंता कर गोटे कथा शुणी कथ विश्राम दवा कि समव्यवहार किभली से तो द्रौपदी भाव को लेकिन आहरी शेष रही महत् कथा आ गोटे कथा विश्राम दवा समटा किभली सुनीति ध्रुव को से शिक्षा ही देखते तुम्हें कहार अमंगल चिंता कर सी गोटे उदाहरण देते दधीचिमुनि अस्थि की कौन कर इंद्र वज्रगति कौन करुत्राश्र को वध कर दधीचिमुनि अस्थि को लेकिन वज्र करुत्राश्र को वध कर इंद्र ये कथा को दधीचिंकर पुत्र जानले से जानले सी जाणी क्रोधान्वित क्रोध प्रकाश कले क्या देवता मान दधीचिं पुत्र नाम कौन जानते पिपलाद पिपलाद क्रोधान्वित है दधीचिं पत्नी नाम हूँ सुवर्चला सुवर्चला तेणु पिपलाद माँ को पचारे कह माँ पचारि बुझे बापा कथा बुझे माँ ठूँ शुण बुझीपारे जे इंद्र आसिकी मो बापा अस्थि को वज्र तैयारी करुत्रा गोटे असुर को मारे आस मो बापा अस्थि नहीं ना ये पिपलाद मन में क्रोध आसला क्रोध आसला देखो असहिष्णु भाव कि सह आवश्यक असहिष्णु भाव पोषण कले शिक्षा मिलला आमको उन्नत अधिकारी मान द्वारा शिक्षाटा मिले आम विचार कराया ग्रहण कर पिपलाद असहिष्णु होगी गले तपस्या कले तपस्या कले शिवजी को शिवजी तो आसुतोष
कठोर तपस्या कले, कठोर तपस्या कले शिवजी प्रसन्न होगले। शिवजी प्रसन्न होगा पचारे कह बापा तोर कौन बर मगुच माग तु जो बर माग दिज पिपला तो कौन बर मागिले जानते पिपला तो बर मागिले कहले आपण मो पर जदि प्रसन्न अच्छा मत गोटे बर दिंतु समस्त देवता मान को आप ध्वंस करूँ कहतु से शिवजी कौन कर पिपला देवी बर मागिले कहले आप प्रसन्न अच्छा तो सब देवता मान को ध्वंस करूँ। शिवजी चिंतार पड़े कि देवता मान कम ध्वंस ध्वंस करा अरे भगवान से मानक तो निजुक्त कर जीव मान कल्याण शिवजी बुझीपारे ओह ये यहीपाई कौन कारण इंद्र नहीं पिता अस्थि को लेकिन भ्रतराज को निहत करते यही दृष्टि कौन बध करवाई देवता मान को शिवजी बुझेले कह देख तुम्हें बध करने जो चाहो कौन जगत कल्याण चाहो ना कल्याण हो कहले मुँ कल्याण फल्याण चाहूनी मो पिता अस्थि को लेकिन से निजर स्वार्थ लगे ना तेणु से निहत भाव आपड़ चाहिए पारे कहीं आप अच्छी शक्ति आप संहारकर्ता शिवजी कह देख बापा मो तृतीय नेत्र खोला मैंने जगत सब ध्वंस हो जाओ से कह सब ध्वंस हो जाओ मुझे सब ध्वंस हो जाओ कि आप देवता मान क्या ध्वंस करूँ शिवजी बहुत बुझेले कह ठीक अच्छे गोटे कम कर आगे मोर जो ध्वंसर रूप जो संहार रूपटा को मु कृपा कर तू देख या करे तो आखि बुझे आगे देख मो रूपटा को संहार रूपटा को देखले शिवजी देखले क्यों सी मैंने आखि बुझिक देखले से रूप से रूपटा को निज हृदय भितर से अनुभव कले शर भितर अनुभव कले शर भितर अनुभव कले सी एम जान ले मैंने देह सत्य जमीन सब जड़ी जा मैंने पोड़ी जड़ी पूरा नष्ट संहार करेंगे ना से समय एत कष्ट असह्य हो गले संगे संगे प्रार्थना कर शिवजी पाखे प्रभु आप कौन करूँ कहली से ध्वंस कर ध्वंस करें कष्ट दौरान मुझे ज्वाला पाँच मुझे कष्ट पाँच से समय शिवजी बुझेले कह ध्वंस जो चाहू ध्वंसटा तो जेकोसी गोटे जगार तो आरंभ हम ना ध्वंसटा तो गोटे जगार आरंभ हम आरंभ हेले तो जा सब ध्वंस कर कहले ध्वंस हेले एत कष्ट तू कम से कष्ट आदि कष्ट से मैंने तू सुख विचार करखी हबु तेल तू सुखी हबु कि हबनी कहीं से बुझेदे केते सुंदर बुझे देखुना कहले तू देवता मान ध्वंस करने चाहलु कि देवता मैंने तो शरीर अच्छा देवता मैंने शरीर अच्छा कि ना प्रति अंग देवता मान रही क्यों अंगे क्यों देवता अच्छे से सब बुझेले चक्षुर देवता होती सूर्य हाथ देवता होती इंद्र नासिकार देवता होती अश्विनी कुमार यह सब इंद्रिय मान कथा सी कहले ये इंद्रिय मानक ये देवता मान अच्छा तु जो कहलु देवता मान ध्वंस करने मुझे देवता मान ध्वंस कर ध्वंस करनी मुझे ध्वंस कर ध्वंस कर देवता मान देवता मान ध्वंस है तु भी ध्वंस से समय अश्विनी ये बुझीपारे पिपला कह प्रभु मुझे बुझीपाली शिवजी बुझेले कह तुम ये करनी तापर सी बुझीपाल जो बोल बुझिकी फेर कह तात्पर्य आम सर आवश्यक द्रौपदी से कहते कौन ये जो कहले समंग सम व्यवहार क्या आम कष्ट दवा उचित नुह अब्देष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच अब्देष्टा एवं शेष महद्वचन कहे महद्वचन कौन जे कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यजितात्मभि तत्कुलं प्रदन्त्यासो सानुबन्धं सुचर्पितं ये महत्वचन कहे जी ब्राह्मण कुल साधुकूल जदि कोपित हेबे क्रोध हेबे ताहले तुम तत्क्षण सब नष्ट ब्राह्मण कुल साधुकूल जदि क्रोध प्रकाश कले तुम्हें जो ऐश्वर्य पाइच जहाँ किसी पाइच से सब तत्क्षण देखुना तत्कुलं प्रदहति आसु तुम कुल सह सब नष्ट प्रदहति आसु जलीजी आसु अति शीघ्र जलीबुड़ी सब नष्ट सानु बांधंग सुचार्पितम परिवार सह जली सब नष्ट अच्छा वैष्णव मान शिक्षा कौन साधक मान शिक्षा कौन ये साधक मान शिक्षा होमें जब कौन वैष्णव पर क्रोध प्रकाश कले जदि आम अपराध कले कौन हम सब जलीजी कौन जलीजी भक्ति जो सौध घटे ना सी जलीजी आ भक्तिर नाम निशान रही
ताहले कोंदु ये कीर्तनेश्वधारी भजन आम हबो ना आमर बर्तमान भजन होउनी माने या एथि पई सेथि गुरुदेव कहंती केवल अक्षर उच्चारण चलछि अक्षर उच्चारण होउछ ना आम आम समस्त स्थिति से मु कहूँ मैंने उच्च स्थित अच्छी भाव अच्छी तो आम समस्ते से गोटे नौकर बस आम के श्रृंखलित होगा आवश्यक विचार।